हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार, आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, हम बात करने वाले आज एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड जिसका नाम है कैमक्रक्स, कैमक्रक्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड। अगर आप ये इसका चार्ट देखेंगे ना कैमक्रक्स का, तो आपको पता चलेगा एक बेहतरीन शेयर है जो 2017 में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। अभी प्राइस 263 चल रहा है और लगभग 82% के रिटर्न दे दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये शेयर एक कंसोलिडेशन फेज के में निकलने के बाद जो भागता हुआ नजर आ रहा है, एक बेहतरीन तरीके से भागता हुआ नजर आ रहा है और एक चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और क्या अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? क्यों? क्योंकि एक 82% की तेजी, और एग्जैक्टली दो, अगर मैं बात करूं 20 रुपए से ये शेयर यहाँ पर गया है, तो 1200% के 1300% की तेजी ऑलरेडी इस पर्टिकुलर शेयर में हो चुकी है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर माइंड में रखनी है। ओके, अगर हम माइंड में रख के ये काम करेंगे तो कभी ऊपर के लेवल पे भी नहीं फंसेंगे, एज वेल एज ऐसे जो शेयर है जो मल्टीपैगर यहाँ पर सिद्ध हुए हैं, ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर पाएंगे। तो क्या करना है क्या नहीं करना है चार्ट के बेसिस पे, एज वेल एज यहाँ पर बात करूं मैं आपको फंडामेंटल सब चीज यहाँ पर बताते हुए नजर आऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कभी कोई भी शेयर खरीदते हैं तो बिजनेस मॉडल सबसे मेन होता है, ताकि हमें पता रहे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर शेयर में, क्योंकि हमें नहीं पता थी ये कंपनी हमारी अभी नजर में आई है, तो अगर ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आने वाले 5 से 10 साल के लिए कम से कम कर रहे हैं, और अगर 5 से 10 साल के लिए कर रहे हैं तो बिजनेस मॉडल पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, तो आपको पता चलेगी कंपनी करती क्या है। कंपनी यहाँ पर बल्क ड्रग में ही काम करती है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स में कंपनी काम करती है, डाइज के बिजनेस में, पिगमेंट्स के बिजनेस में। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ये कंपनी है केमिकल के बिजनेस में, कंपनी यहाँ पर केमिकल के बिजनेस में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इनके प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स और यहाँ पर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बातें करें तो एक बार जाके यहाँ पर देख लीजिएगा। इतने केमिकल्स से रिलेटेड मुझे नॉलेज नहीं है, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन कि यहाँ पर इन केमिकल को यहाँ पर देख सके और बता सके एग्जैक्टली किस लिए यूज होते हैं, बट स्टिल यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ पढ़ के हमें समझ में आएगा। तो देखिए, कैमक्रक्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 1996 इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बल्क ड्रग। जैसे कि बल्क ड्रग यहाँ पर अगर बात करें, पैराक्लोरो बेंजोइक ऑर्थोबेंजोइक एसिड एंड द लैसामिक एटसेट्रा, ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। बिजनेस एक्टिविटी 2000-2001 में यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है, बट टेकिंग ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ एमएस कैमक्रक्स का इन्होंने रनिंग बिजनेस लिया था, ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द प्रोमोटर एज अ गोइंग कंसर्न। अगर बात करते हैं और भी चीजें, कैमक्रक्स एक्सेल्स हाई प्रेशर ऑक्सीडेंट नाइट्रेशन एसिलेशन एज एंड क्लोरोसल्फोनेशन केमिस्ट्री में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। अलग अलग ये बिजनेस में है, यहाँ पर देख सकते हैं मेनी ऑफ द देम आर इंपोर्टिंग सब्स्टिट्यूट इन मैन्युफैक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओके, और ये डाइज वगैरह पिगमेंट्स के यहाँ पर बिजनेस में नजर आती है, जो कि और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि अच्छे खासे यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है और अच्छा खासे रिजल्ट भी आते हैं उनके। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। प्लांट क्लोजर से रिलेटेड, फ्यूचर प्लांट के रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या इनके प्लांट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, वो सब चीज यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, तो एक बार इनके बिजनेस के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ चीजों की। कंपनी माइक्रो कैप है, एसएमई बिजनेस में थी ये कंपनी, 390 करोड़ का मार्केट कैप था। पी रेशो की बात करें, 26 का पी रेशो है, इंडस्ट्री का 22 का पी है। तो अगर अभी भी बात करें तो कहीं ना कहीं ये शेयर है महंगा। ROC ROE बात करें 48-36%, तो ऐसे स्मॉल माइक्रो कैप स्मॉल कैप में 48-36% के ROC ROE मिलना बहुत इम्पॉसिबल होता है। अगर ऐसे शेयर हमें नीचे के लेवल से मिल जाए और पता चल जाए तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आता है। डेट की बात करें, डेट फ्री शेयर है, तो देखिए पॉजिटिविटी देखिए, छोटा सा शेयर, ओके, यहाँ पर पीई भी ज्यादा नहीं है, ROC ROE बेहतरीन है, डेट फ्री कंपनी है, ओके, कोई भी यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है, एज वेल एज 299 से शेयर करेक्ट होकर 263 पे चल रहा है, 10 की फेस वैल्यू है, ओके। तो ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी यहाँ पर अच्छी नजर आती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ROE तो 32% के आसपास यहाँ पर पिछले 3 साल से रिटर्न देती हुई नजर आ रही है, और केमिकल इंडस्ट्री में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं ईयरली बेस क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस की बात करें, अगर बात करें यहाँ पर 2019 से लेकर 2021 तक, एक साइड बेस ही कह सकते हैं कि
साइडवेज जोन में ही यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। सेल्स तो लगभग सेम थी। 2021 से कंपनी यहाँ पर अगर देखे परफॉर्मेंस बढ़ा, मार्च में बात करें फिर परफॉर्मेंस बढ़ा और लगातार कंपनी का परफॉर्मेंस अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सेप्टेम्बर मार्च के रिजल्ट आते हैं। तो कंपनी जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा SME बिजनेस कंपनी है, SME मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के जो यहाँ पर रिजल्ट आते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे नहीं आते, वो हाफ ईयरली बेसिस पे आते हैं, इसलिए आपको रिजल्ट हाफ ईयरली बेसिस पे है। ईयरली बेसिस पे देखेंगे सेल्स बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड हाफ ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे वो भी सेल्स बढ़ रही है। और यहाँ पर देखिए कंपनी का ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस देखिए, मार्जिन तो मार्जिन यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली हाफ ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा है। और यहाँ पर हाईएस्ट एवर कंपनी के क्या आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉशियस वे भी अपनाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें मार्जिन यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया ईयरली बेसिस पे, तो ये भी हमें माइंड में रखना है, क्योंकि आंख बंद करके कभी भी यहाँ पर कूदना नहीं है, क्यों, क्योंकि एक अच्छी खासी 20 रुपए से शेयर यहाँ पर 200-300 रुपए पे यहाँ पर जा चुका है। इस चीज को हमें अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ऐसे शेयर ऊपर के लेवल पे फंसा के आपको यहाँ पर गिरते हुए नजर आएंगे। ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ईयरली बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि ईयरली बेसिस पे आपको बिजनेस समझ में आएगा। 12 करोड़ की सेल्स थी, 10 साल 11 साल के अंदर अंदर 95 करोड़ की हुई है, ये दिखाता है पॉजिटिविटी। इसके अलावा मार्जिन यहाँ पर लगातार बढ़ा। ईपीएस की बात करें, ईपीएस देखना बहुत जरूरी है, 88 पैसे का ईपीएस 10 रुपए का हो गया, ये पॉजिटिव है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर आता है, ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। रिजर्व देखिए कंपनी के 36 करोड़ के आसपास थे मार्च में, अभी यहाँ पर डेटा आया नहीं है। बोरिंग की बात करें, डेट फ्री यहाँ पर शेयर है कंपनी के। वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 9 करोड़ की। कैश की बात करें, 2-3 करोड़ का कैश भी है कंपनी के पास। और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव बात करें, प्रमोटर्स के पास एज इट इज शेयर बने हुए हैं, तो प्रमोटर्स कंपनी के जानते हैं कि हाँ हमारी कंपनी अच्छी है, तो उन्होंने शेयर नहीं बेचे पैंडेमिक में आने के बाद भी, और उसके बाद भी शेयर भाग लिया फिर भी नहीं बेचे, ये एक पॉजिटिव चीज है। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना है, इनके प्रमोटर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। पब्लिक की बात करें, 27% के शेयर हो, कुछ लोगों ने यहाँ पर देखिए अभी भी हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, कम नहीं करी है, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर समझ में आ गया केमिकल के बिजनेस में है। एज वेल एज बात करें फाइनेंशियल की बात करें, कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है, ROC ROE काफी बेहतरीन है, CAGR कंपनी का काफी बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा नजर आता है। बट कंपनी का ईयरली बेसिस पे यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा सा वीक है, तो इस चीज को भी माइंड में रखना। और इस बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, शेयर 20 रुपए से यहाँ पर 300 रुपए आ गया है, 2000% से ज्यादा के यहाँ पर रिटर्न मिल चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा कॉशियस भी ओके। और यहाँ पर देखिए, जब इस तरीके से शेयर भागता है ना, भागा गिरा मतलब हायर हाईज बनाया और हायर लोज बनाए, इस तरीके से जब ये शेयर भागते हैं तो याद रखिए आप इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इलियट वेव्स। और ये कब बनता है, ये बनता है तब जब यहाँ पर तेजी होती है, जब यहाँ पर जो ये पूरा मार्केट होता है ना, बुल मार्केट में होता है, तो बुल मार्केट में इस तरीके से यहाँ पर बनता है। बट यहाँ पर अभी शेयर यहाँ पर पूरे मार्केट की बात करें बियर मार्केट में है ओके यहाँ पर, तो इस चीज लिए थोड़ा सा, एक तो बियर मार्केट है, बुल मार्केट खत्म हो चुका है ऑलरेडी, बुल मार्केट के रिटर्न मिल गए हैं। दूसरी एडवांस फीवो टेक्निक के हिसाब से जो इसका टारगेट आता है ओके, वो 252 रुपए का आता है। 252 रुपए पे यहाँ पर ये शेयर ने अच्छे खासे रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया। इसके बाद की तेजी बेकार की तेजी थी, जो कि मैं आपको अगर बात करूं AWL जो हमने अडानी बिलमार की बात करी थी उसमें भी यही बनता हुआ नजर आता है, यहाँ तक की तेजी असली तेजी थी, उसके बाद बेकार की तेजी होकर शेयर गिरता हुआ नजर आया, कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा है। तो यहाँ पर यही मैं आपको चीजें बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी तेजी हो चुकी है ओके, तो यहाँ पर आपको अननेसेसरी बेफालतू में अभी की डेट में इन्वेस्ट करना और यहाँ पर ट्रेड लेना थोड़ा खतरा हो सकता है। ट्रेड के बेसिस पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर बात करें ये इसका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, मतलब अगर हम बात करें 298 का यहाँ पर लेवल क्रॉस किया, तो एक तेजी होती हुई नजर आ सकती है ओके। बट यहाँ पर तेजी होगी वो यहाँ पर थोड़ी सी ऑपरेटर ड्रिवन भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये देखिए 5% 4% भाग रहा है, तो मतलब शेयर कहीं ना कहीं ऑपरेटर के कब्जे में भी है। और यहाँ पर अगर देखें नीचे के लेवल, तो नीचे का लेवल देख लीजिए, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट तोड़ा तो शेयर और ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा और सीधे 162 पे आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस में। और जब ये शेयर नीचे आ जाए ओके, और इसके जो अभी थोड़ा सा आप देख रहे होंगे शेयर महंगा है, 26 का PE है और इसका इंडस्ट्री का 22 है, और यहाँ पर अगर बात करें शेयर करेक्ट हो रहे, जब ये शेयर करेक्ट होके नीचे आ जाए ओके, और ये 150 और 100 के आसपास मिले, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, बार बार भाग रही है, गिर रही है, भाग रही है, गिर रही है ओके, और ये इलियट वेव्स बनाती हुई नजर आ रही है, इलियट वेव से कहते हैं, तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जब हम आगे पढ़ेंगे टेक्निकल तो इलियट वेव के बारे में भी आपको बताऊंगा, और
कब ये काम करता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, बुल मार्केट में, बियर मार्केट के ग्रिप में आ गया तो शेयर में यहाँ पर गिरावट हो सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियस वे अपनाना। रिजल्ट अब थोड़े थोड़े मार्जिन की वजह से खराब आते हुए नजर आ रहे हैं, तो चीजें यहाँ पर बिगड़ सकती है, बट कंपनी लॉन्ग टर्म के व्यू से अच्छी है, तो वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलते रहे बैंक सेल की कोई रिकमेंडेशन। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।